नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RPS Tech में। आज मैं आपको बताने वाला हूं ओप्पो F19 Pro Plus का अनलॉक कैसे करते हैं। इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, जैसा कि अब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। ओप्पो F19 Pro Plus है और हम इसे अनलॉक करिए, आप देख सकते हैं इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है और मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। इसमें लॉक पड़ा हुआ है जिसे हमें अनलॉक करना है और मैं इसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा। बस बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो पहले मुझे फ़ोन को ऑफ करना पड़ेगा, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिर हम वैल्यू माइनस और पावर की सेम टाइम प्रेस करेंगे। और पावर की हम छोड़ देंगे। वैल्यू माइनस बटन लगभग 30 सेकंड तक हम प्रेस करेंगे। और इसमें हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज में, और इसके बाद वाइप डेटा पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से ऑप्शन जो आया हुआ है और इसमें साइड में देखो मॉड, इसमें वेरिफिकेशन कोड लिखा है, इसको हमें टाइप कर देना है और इसे हम टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है आगे का जो फॉर्मेट लिखा आएगा, फॉर्मेट हम क्लिक कर देंगे और ये फ़ोन आपका फॉर्मेट हो रहा है, हम देख सकते हैं। इसे ओके कर देना, फिर से रिबूट कर देना फ़ोन। दोस्तों फ़ोन ऑन होने में लगभग 2-3 मिनट लगेंगे और ये फ़ोन ऑन हो गया क्योंकि मैंने वो वीडियो को स्किप कर दिया, ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है। और इसमें आपको इसमें लगा होगा अभी FRP लॉक, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें FRP लॉक लगा। तो हमें इमरजेंसी कॉल में आना है और ये टाइप कर देना है *813# और कुछ ऐसा ऑप्शन क्लिक किया जाएगा, मेन मेनू ओपन हो जाएगा, फ़ोन फुल ऑन। और हमें सेटिंग पर जाके फुल फॉर्मेट मारना है, रिसेट मारना है इसको, फैक्ट्री से बैकअप रिसेट दिख रहा है ना आपको, इराज ऑल डेटा दिख रहा है और हमें इराज ऑल डेटा पर क्लिक कर देना है, इसे फिर से फॉर्मेट कर देना है। अब ये फिर से फॉर्मेट हो रहा है और ऑन होने में लगभग थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसमें 2-3 मिनट समथिंग लग सकता है।
और ये फ़ोन आपका ऑन हो गया है और इसमें स्टार्टिंग के प्रोसेस वही जो करने होते हैं आप कर दीजिए, नेक्स्ट करना है स्किप करना, बस वही दो ऑप्शन होते हैं। देखिए आप स्किप हमने कर दिया तो वाईफाई में, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर दिया है और हमें नेक्स्ट कर देना है, फिर से लेटर जैसे लेटर कर देना है और न्यू फ़ोन पे क्लिक कर देना है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो बस वैसे ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसमें अभी कुछ करना होता नहीं है। देखिए फ़ोन ऑन भी हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।